पर अफसोस कि आज ये सीट खाली जाएगी। रोजरीन अपने सपनों को पूरा करने के लिए लंदन नहीं जा पाएगी। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। आज तक डीके लाइफ में जो भी आया वो बस उन्हें एक्सप्लोर करना चाहता था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। दी बहुत खुश थी आपके साथ, आपने उनका बहुत ख्याल रखा। यू डोंट वरी, मैं तुम्हारा और आंटी दोनों का ख्याल रखूंगा। क्या मैं ये टिकट रख सकती हूँ दीदी की याद के लिए? Yes, of course. Keep it. अच्छे कॉलेज में डालना है, और तुझे तो पता है कि MBBS का कितना डोनेशन देना पड़ता है। और हाँ, I want to open my own resort. एक काम करते हैं, मुझसे शादी कर ले यार, साथ में रिजॉर्ट खोलेंगे। शादी खत्म तो कर ले। आधा तू कर लिया ना, और इसके पैसे भी बता दियो कि कितने लगे, टच कर ले। अरे खत्म तो कर ले। से भी कुछ ज्वेलरी और कैश निकाले गए। फॉरेंसिक वाले को कहना है कि किलर लेफ्ट हैंडेड था। सर वो लोग इतने कंफर्म कैसे हैं? बैग की चैन पर अंगूठे का निशान दाहिनी तरफ, अगर इसे दाहिने हाथ से खोला गया होता तो चैन पर निशान बाईं तरफ होता। इसी से फॉरेंसिक वालों ने अंदाजा लगाया। स्टेफी लेफ्ट हैंडेड थी? नो सर, राइट हैंडेड थी। इस बयान पर साइन करो। पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इसे फॉरेंसिक लैब में पता करो इस बीड़ी पे कौन से थंब के निशान हैं, और जितने भी स्टेफी के करीबी हैं उन सबके सैंपल कलेक्ट करो। मुझे लग रहा है कि शायद इसका रेप भी हुआ है। सचिन और स्टेफी के जानने वालों में से किसी के भी सैंपल मैच नहीं हो रहे। अगर इनमें से किसी ने भी उसका रेप और मर्डर नहीं किया है तो फिर किसने किया है? स्टेफी के दुश्मनों की लिस्ट बहुत लंबी है, भले उस लिस्ट को खंगालना पड़ेगा। उसके कलीग्स उससे बहुत खफा थे। सबसे पहले जितने भी हाल फिलहाल में होटल के स्टाफ नौकरी से निकाले गए हैं पहले उन्हें टैप कर दें। सर सर सर, 2 साल पहले अभिजीत नाम के लड़कों की 4 मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी सर। उसमें से 2 की उम्र मैंने 10 से 15 साल है और बाकी के 2 की उम्र 40 से 60 साल। सर मुझे लग रहा है कि हम इस नशेड़ी बब्बन की बातों को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले रहे हैं। मतलब सर ऐसा तो केवल फिल्मों में होता है कि लाश खुद सपने में आती है और उसे किसने मारा है खुद बताती है। बात तो तुम्हारी सही है शेरगे, लेकिन इस अनसॉल्व्ड केस के लिए बबन की कहानी एक ब्लाइंड लीड की तरह है। मुझे नहीं लगता हमें चांस लेना चाहिए, एक लास्ट ट्राई करके देखते हैं। ठीक है सर, बताइए फिर क्या करना है। एक काम करो, भारती नगर में जहाँ हमें वो जली हुई लाश मिली थी ना, उसके 25 किलोमीटर के रेडियस में 25 से 30 साल की उम्र के अभिजीत नाम के जितने भी लोग हैं सबकी एक लिस्ट बनाओ, देखो उनमें से कोई मिसिंग है। ओके सर।
इतनी चक्कर क्यों डालते हैं? चंद्रकांत जाधव का घर यही है? हाँ बाबा। काइगर पुलिस साहब आप यहाँ? घबराइए मत, हम लोग बस जनरल इंक्वायरी के लिए आए हैं। अभिजीत नाम का लड़का यहीं रहता है? रहता था साहब। अभिजीत मेरा बेटा है, लेकिन 2 साल पहले वो घर छोड़कर चला गया है, वो अभी तक नहीं लौटा है। 2 साल पहले आपका बेटा घर छोड़ के चला गया और आप लोगों ने कोई मिसिंग कंप्लेंट ही नहीं की? क्या कंप्लेंट करते साहब, वो खुद घर छोड़कर चला गया, फिर उसने एक मैसेज भी लिखा कि वो नहीं आएगा वापस। हमारा और उसका संबंध खत्म। उसके बाद हमने उसका फोन भी ट्राई किया लेकिन हमेशा बंद ही आया। साहब एक मिनट रुकिए। ये देखिए सर, 2 साल पहले उसने ये मैसेज किया था। बाबा मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहा हूँ और दोबारा वापस लौट कर नहीं आऊँगा। हमारा रिश्ता खत्म। रिश्ता खत्म करने की कोई खास वजह? जब बच्चे बहुत कमाने लगते हैं ना तो माँ बाप उन्हें बोझ लगने लगते हैं। वो हमारी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? देखिए 2 साल पहले हमें एक बॉडी मिली थी और हमें शक है कि वो अभिजीत की ही बॉडी है। क्या? रो मत, हो सकता है वो हमारा अभिजीत नहीं होगा। अभिजीत जाधव शिर्के, जाधव फैमिली का डीएनए सैंपल ले लो। लाश का डीएनए रिपोर्ट तो हमारे पास है ही, अगर ये दोनों सैंपल मैच हो जाते हैं ना ये गुत्थी सुलझ जाएगी। राइट सर। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? साहब वो जब से पता चला है कि अभिजीत का शायद खून हो गया है तब से उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उसको डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। ठीक है लेके जाइए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।